में आज सुबह 5 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से 25 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में आज सुबह करीब 8:30 बजे 5 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई है। जहां बिल्डिंग गिरी वो जगह जेजे स्टेशन के बेहद करीब है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का हुजूम जुड़ा हुआ है, मदद कर रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो सबसे पहले आगे आए मदद के लिए। हालांकि प्रशासन वहां पहुंच गया है और लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। आज सुबह करीब 8:30 बजे ये हादसा हुआ। ये भारी बारिश 2 दिनों से दिल्ली में लगातार जारी है और उसके चलते ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है। कहा जा रहा है कि 100-125 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी और ये गिर पड़ी। 5 मंजिला ये इमारत थी और भिंडी बाजार इलाके में है। बहुत घनी आबादी है इस इलाके में। 5 मंजिला इमारत जब ढह-ढहा के गिरी तो आसपास भी आप समझ सकते हैं कि कितना मलबा इकट्ठा हुआ हुआ। हालांकि स्थानीय लोग फौरन पहुंचे और लोगों की मदद करी। लोगों को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है और राहत बचाव काम जो है लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों से साफ है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की जर्जर हालत में ये इमारत दिख रही है। जितना हिस्सा बचा हुआ है कुछ हिस्सा इसका गिर गया है और इसमें मलबे में बहुत लोग अभी फंसे हुए हैं। 4 लोगों के मारे जाने की खबर भी जा रही है। 11 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है। ये जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाती हैं कि अगर वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी तो सरकार ने उसको खाली क्यों नहीं कराया, और अगर सरकार ने कहा था खाली करने के लिए तो लोगों ने खाली क्यों नहीं करी। और इस तरह से ये जब इस तरह की मौत होती है या होता है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। आदमी रात में सोता है, सुबह उसको काम पे जाना होता है, लेकिन इस तरह की जब कोई दुर्घटना हो जाती है, बिल्डिंग इस तरह से गिर गई मुंबई में और इसमें कई लोगों की जान चली गई और अभी भी बहुत लोग मलबे में फंसे हुए हैं। मसला क्या है, आगे जाके यहाँ पर देखे तो पूरी बिल्डिंग ऐसी बैठ गई। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉपरेट जेजे पुलिस वाले ने करे, एम्बुलेंस ने करे और यहाँ के लोग ने बहुत कॉपरेट करे। तकरीबन हम लोग ने हमारे हाथ से हम लोगों ने 3 बॉडी निकाले, जिंदा थे लोग। कितने लोग रह गए, कितनी फैमिली? फैमिली नीचे से भटियाले लोग थे, कैटरर्स जो होते ना नीचे वो थे और तवक्कल स्वीट वाले का किचन था यहाँ पर। वो लोग अभी तक अंदर ही है, पुलिस बहुत कॉपरेट कर रही है। यहाँ धुआं यार 24 मिनट जो है जो अपने जो धुआं जो निकल रहा है वो उसका कहते हैं वाले लोग का जो टोकल स्वीट है ना। हाँ टोकल स्वीट वाले गुड़ा नहीं, इधर मिठाई बनती है इधर तो वो भी सब कहते वाले जो भटियारे वगैरह रहते ना वो ही सब ना आदमी अंदर सब दबे अंदर। कितने बजे का हुआ है? 8:24 पे हुआ ये बराबर 8:24 जो रहने वाले जो थे ना सब वो सब ज्यादा उधर के घोड़ा में गए रहने के लिए क्योंकि एसबीटी के अंदर है ना, उन लोगों को फ्लैट दिए वहाँ पे रहने के लिए। और ये क्या है उन लोग के एसबीटी के बोलने बाद भी यहाँ पर पब्लिक जो रहती थी जो कैटरर्स थे नॉर्मली लोग उन लोग यहाँ रहते थे, उन लोग बेचारे सब अभी भी उन लोग अंदर दबे फैमिली। बिल्डिंग सुबह तकरीबन 8:30 बजे कोलैप्स हो गई। जो आप मेन बिल्डिंग देखते हो 5 माले की है, उस तरफ की जो बिल्डिंग है वो 3 माले की है, उसके अंदर कोई ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये जो 5 माले की बिल्डिंग है इसमें 5 रूम थे, 3 रूम में लोग रह रहे थे, 2 रूम खाली थे और उसके बाजू में जो शेड है वो तकरीबन 8 शेड है, उसमें ज्यादा लोग हो सकते। 5 आदमी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, काफी लोग इसके अंदर दबे हुए हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जाती है। बाजू की जो बिल्डिंग है उसकी पूरी वॉल गिर चुकी है, आजू बाजू की बिल्डिंग में भी दरार आई है और एक कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए और जो आजू बाजू की बिल्डिंग से लोगों को खाली कराया जाए और मलबा हटाया जाए और इसके अंदर जो दबे हुए लोग हैं उनको फौरन बाहर निकाला जाए। बिल्डिंग कोलैप्स हुई है और उसमें से 3 लोगों को अभी निकाला है, 3 जिंदा थे, बाकी बिल्डिंग पूरी की पूरी नीचे की तरफ गई है, इसलिए नीचे कुछ लोग दबे होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड बीएमसी और बाकी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतने लोगों को निकाला जाए। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुंबई बिल्डिंग हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। इस बिल्डिंग को एमएचएडीए ने खाली कराने का नोटिस दिया था, नोटिस के बावजूद भी बिल्डिंग में लोग रह रहे थे। इस बिल्डिंग में 6 गोदाम थे, हादसे के वक्त बिल्डिंग में मजदूर मौजूद थे और अभी वो सभी मजदूर जो है वो मलबे में
फंसे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सवाल ये नहीं है कि ये दुर्घटना हो गई, सवाल ये है कि इन दुर्घटनाओं से हम सीखते क्या है। घाटकोपर में भी हमने पिछले दिनों देखा इसी तरह से बिल्डिंग गिरी थी, और अब एक नया खुलासा कि सरकार ने इस बिल्डिंग को डेंजरस घोषित कर दिया था। बिल्कुल, सरकार ने इस बिल्डिंग को डेंजरस घोषित कर दिया था। जो महाडा एक अथॉरिटी है, महाडा इस अथॉरिटी ने इसको नोटिस दे दिया था ये बिल्डिंग खाली करने के लिए। लेकिन एक और आपको स्पेशल जानकारी में देना चाह रहा हूं इंडियन दर्शकों को, यह बिल्डिंग सिर्फ 3 महले की बिल्डिंग थी। 3 महले की बिल्डिंग की इजाजत थी कि 3 महले प्रयास था, लेकिन यह बिल्डिंग 5 महले की बना दी गई थी। यानी एक सबसे बड़ी जानकारी मैं यही दे रहा हूँ अब इंडिया न्यूज पे कि 2 महला ये पूरा इलीगल बनाया गया था। जो चौथा और पांचवें महल पर जो लोग रहा करते थे, जो लोग इस बिल्डिंग में मलबे में दबे हुए इस वक्त, यह लोग अवैध तरीके से रहा करते थे, कहना गलत नहीं होगा। यानी पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ाकर जो फ्लोर है वो अवैध बनाया गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। एक तो आपको बता दूं कि 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है और उसके ऊपर 2 महला इलीगल बनाया जाना, समझ सकती है आप, ये बिल्डिंग उतना भार नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा इस तरीके से हुआ है कि नोटिस देने के बावजूद और उसके बाद अवैध रूप से काम करने के बावजूद इतना बड़ा हादसा हुआ है कि बिल्डिंग में गिरने की वजह से अब तक करीबन 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल है, 11 लोगों को निकाला गया है। यानी आखिरकार मौत के सौदागर कौन है, सबसे बड़ा सवाल ही खड़ा करना होगा कि आखिरकार इनकी मौत की जिम्मेदार कौन है, या पीएमसी, या सरकार, या फिर महाडा के लोग। सबसे खास बात अगर मैं जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि यह एक जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे है वो जिसको कहा जाता है सैकु पुरानी 3 करके, यानी यह पीओटी का जो ट्रस्ट है जिसके तहत यह पूरा एरिया लिया गया था कि एक साथ डेवलप करेंगे, और उन लोगों ने भी उनका यह कहना है कि हमने बिल्डिंग खाली कराने के लिए सबको बोल दिया था, काफी हमारे बिल्डिंग खाली करा दी थी, लेकिन अगर बिल्डिंग खाली हो गई थी तो आखिरकार इतने लोग रह कहां से रहे थे। आपको बता दो कि इसी एक बड़ा हादसा होते होते और चल गया कि इसी महले, इसी बिल्डिंग के पहले महले पर प्ले ग्रुप चला करो, जो बच्चों का प्ले ग्रुप चलता है, एक साथ में करीबन 50 से 60 बच्चे अनेता हुआ करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल हम जो स्थानीय लोग हैं जो वहां पर रहते हैं उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। लोग बिल्डिंग के बस कुछ नहीं, बहुत जोर से आवाज आई, सब बाहर निकल कर देखे, बाजू में से नेबर्स भी आकर बोले बिल्डिंग गिरी, तो हम लोग भी विंडोज में जाकर देखे तो बहुत जोर से बिल्डिंग की आवाज आई गिरने की, और एकदम ही कोलैप्स हो गई बिल्डिंग। कितने लोग रहते थे आसपास पास बिल्डिंग में, और क्या ये तो फिफ्थ फ्लोर की बिल्डिंग थी? हाँ, ट्राइकॉन के बाउंसर्स थे, मेरी बेटी ट्राइकॉन में एक्चुअली आर्किटेक्ट है, तो उसके भी सब पहचान वाले थे बिल्डिंग के अंदर, बस वो लोग जॉब के लिए निकले और बिल्डिंग कोलैप्स हुई। मतलब सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था 8:15 से 8:30 प्ले स्कूल भी था, जो प्ले स्कूल था, पर अभी प्ले स्कूल के बच्चे आए नहीं थे, 9 बजे से शुरू होते बच्चे आने के। और ज्यादा बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता, हादसा तो बहुत बड़ा ही हुआ, पर बच्चे बच गए, बस जो स्कूल में आए थे, नहीं आए वो बच्चे बच गए। आई एम फरीदा था, एग्जैक्टली बिटवीन 8:15 to 8:30 तो बिल्डिंग वी गॉट अ ह्यूज साउंड समथिंग। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव शर्मा ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और राकेश पांडे न्यूज रूम में मौजूद हैं। राजीव, आप वहां मौके पर मौजूद हैं, बहुत ही भयावह तस्वीरें हम देख सकते हैं, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस समय जो राहत और बचाव काम चल रहा है उसका अपडेट क्या है? पूरी तेजी से चल रहा है शोभना, इस वक्त राहत और बचाव का काम है। ठीक मेरे पीछे बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई है पाकुड़िया स्ट्रीट में, यह हुसैनी बिल्डिंग है जहां पर यह हादसा हुआ है, और अब तक की जो जानकारी है अपने दर्शकों को बता दूं, अभी कुछ देर पहले एक एम्बुलेंस 2 लोगों को यहां से लेके गई है, करीब 14 लोगों को अब तक अस्पताल ले जाया जा चुका है जो इसमें दबे हैं, और दुखद बात यह है कि कुल 4 लोगों की इसमें दुखद मौत की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल आसपास के जो भी इलाका है साउथ मुंबई का, जहां हम डोंगरी इलाके में पाकुड़िया स्ट्रीट में खड़े हुए हैं, यहां पर पुलिस है, आसपास के काफी लोग हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग हैं, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ के लोग हैं, यहाँ सारे के सारे वो यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, धुआं है हर तरफ, कोशिश की जा रही है मलबे को हटाया जाए, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर दिया जा रहा है कि ये बहुत सकरा एरिया है, ये जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सकरा एरिया है, पतली गलियां हैं,
लोग ज्यादा हैं, जगह कम है। एक चीज यहाँ पर जरूर अभी तक साफ नहीं हो पाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप यहाँ के तीन मंजिली बिल्डिंग थी या पांच मंजिली? पांच मंजिला इमारत थी यहाँ पर, और काफी लोग रहते थे नीचे, कैटरर्स वगैरह थे, और मिठाई का भी जो वहाँ पे बनाने का कारखाना था, एसी का नीचे मिठाई का काम होता था, कारखाना मिठाई बन रही थी, तवक्कल मिठाई वाले के आदमी थे, वो नीचे एक जगह पे मिठाई का काम होता था, इसके बाजू में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जिसमें सावरमा बिक रहा था, और उसके बाजू के अंदर सब भैया खाना पकाने वाले थे। कितने लोग हो सकते थे इस बिल्डिंग में? वहाँ पे अल बैक करके एक शोरमा की नीचे होटल थी, कम से कम 30 से 35 लोग हो गए नीचे, कम से कम 12-15 जो कैटरर्स थे वो लोग सोते रहते थे। सुबह का वक्त था, समझे 8:30 बजे ये हादसा पेश आया है। ये बताया जा रहा है तीन मंजिला बिल्डिंग थी, लेकिन लोग कह रहे हैं पांच मंजिला बिल्डिंग। पांच मंजिला बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम हुसैनी है। अभी 25 से 30 लोगों के दबे होने की आशंका है, और ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, बीएमसी को इस पे नजर रखनी चाहिए थी, और यहाँ के जो लोकल कारपोरेटर है अतुल शाह जी, उनको बराबर इस पे नजर रखनी चाहिए थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे कई बड़े लोग शामिल हैं इसमें। यहाँ पर देखिए शोभना, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये बताऊँ, मशीनें काम कर रही, पहले तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि लगातार काम हो रहा है यहाँ पर, कोशिश की जा रही है जितने लोग यहाँ पर अभी भी दबे हुए हैं उन्हें इससे पहले कि उनकी मौत जैसी उनकी हालात हो जाए उससे पहले उन्हें रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचा जाए। लगातार यहां पर दूसरी तरफ देखें फायर ब्रिगेड की सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं यहां पर, और डिजास्टर रिलीफ के लोग खड़े हुए हैं, और सामने एम्बुलेंस भी कई सारी खड़ी हुई है, जगह जगह अस्पतालों से एम्बुलेंस आई है, भारी भीड़ यहाँ पर है। कोशिश सिर्फ एक ये है कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। जैसा लोगों ने कहा कि नीचे कई तरह के काम होते थे, सवरमा बनता था या दूसरी मिठाइयां बनती थी, और ऊपर लोग भी रहते थे। मजबूरी भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जगह कम है, ज्यादा लोग रहते हैं। नोटिस हालांकि बीएमसी देती रहती है, लेकिन बारिश के बाद अक्सर ऐसी चीजें सामने आती हैं जब ये पुरानी बिल्डिंगों की जो नींव है वो साथ छोड़ देती है। तस्वीरें हमारे दर्शक एक बार पीछे की तरफ देखें, जो दूसरी बिल्डिंग है उसके पास काफी धुआं इस वक्त उठ रहा है, और लगातार काम चल रहा है, बिना रुके काम चल रहा है। 8 बजे के बाद से जब से ये घटना सामने आई है लोग यहाँ पर लगे ही हुए हैं, तस्वीरें इस मशीन के काम करने की, और साथ में पुलिस की मौजूदगी भी काफी है इस वक्त। आसपास का ट्रैफिक जो इस तरफ आ रहा था उसे डाइवर्ट किया गया है जिससे यहाँ से एम्बुलेंस और बाकी चीजों गाड़ियों को निकलने में सुविधा हो, लेकिन फिलहाल इस जगह पर लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। लोग सिर्फ उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो लोग आसपास के उनके बारे में पता चले। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर स्कूल है, नर्सरी, उसके बच्चे लोग 10 बजे के बाद आते हैं या 10 बजे आते हैं, और ये 8:20 को बिल्डिंग गिरी, अगर उसमें बच्चे आ जाए तो 15-20 बच्चे ऊपर बच्चे भी हो। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर नर्सरी स्कूल, नर्सरी क्लासेस चलती थी। ये क्या अप्रूव्ड है या अप्रूव है? प्ले स्कूल जैसा कुछ चलाते हैं? नहीं नहीं, बच्चे छोटे प्ले स्कूल है जी। कितने बच्चे होते होंगे इसमें? कम से 20 बच्चे हैं, यानी 20-25 बच्चे हैं। एक और यहाँ पर ये शायद एक अच्छी भी खबर हम कह सकते हैं कि स्कूल को 10 बजे से लगना था शोभना, लेकिन 8:20 पर यह हादसा हुआ है। वो बच्चे सेफ हैं जो इसी स्कूल में फर्स्ट फ्लोर पर आते थे। 5 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, और लगातार यहाँ पर काम जारी है, जो मलबा नीचे दबा पड़ा है उसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। कैमरा तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, जरा सा हमारे 4 लोगों की फिलहाल मौत की खबर सामने आ रही है, 14 लोगों को निकाला जा चुका है यहाँ से जो कि घायल हैं, और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि कितना कठिन है ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चला पाना, क्योंकि जगह कम है, मशीनें बड़ी हैं, लोग जी। राजीव आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बना के रखिए, फिलहाल समय की थोड़ी सी पाबंदी है, रुकना। मुंबई में आज सुबह 8:30 बजे एक 5 मंजिला इमारत गिर पड़ी जिसमें 4 लोगों की जान जाने की खबर है, और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कितना भयावह दृश्य है। सुबह सुबह जब इस तरह की कोई खबर आती है तो मन बड़ा बेचैन हो जाता है। हमारे साथ न्यूज रूम से राकेश जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। राकेश, जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ जाता है, क्या है वो बुनियादी सवाल, वो बताइए। अब
कई सारे सवाल है। एक सवाल तो पहला यही था कि माडा ने नोटिस जारी किया था, उसके बावजूद ये इमारत खाली क्यों हुई, दो फ्लोर जिस तरीके से उसके इलीगल बताए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कई सवाल है, इंडिया न्यूज के कई बड़े सवाल है, मुंबई इमारत हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सिर्फ नोटिस जारी करने से क्या बीएमसी की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? सबसे बड़े बजट वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे हादसों को आखिरकार रोक क्यों नहीं पाती? हर बार हर साल करीब करीब इस तरीके के हादसे होते हैं। जर्जर इमारत को बीएमसी ने खाली क्यों नहीं करवाया? क्या सिर्फ नोटिस माडा ने जारी कर दिया था, वहां पर जिम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या? तो ये कुछ बड़े सवाल है। साथ ही लगातार होती बारिश के बावजूद आखिरकार बीएमसी वक्त पर क्यों नहीं जागा? करीब 600 से ज्यादा इमारतें जर्जर स्थिति में है, उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हमेशा हादसों के बाद ही आखिरकार प्रशासन क्यों जागता है? तो ये कुछ बुनियादी सवाल है। और इसके साथ ही शोभना कुछ रिकॉर्ड्स भी है। पिछले 5 सालों के अगर हम रिकॉर्ड्स को अगर देखते हैं तो वो कुछ गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। मुंबई में मौत की इमारतें 2017 में अब तक इमारत गिरने से 3 हादसे, तीसरा यह हादसा है। 23 जुलाई को जोगेश्वरी में बिल्डिंग गिरी थी, उसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही 21 जुलाई को धाराबी में बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 12 लोग इंजर्ड हो गए थे, 12 लोग घायल हुए थे। 2016 में 31 जुलाई, 13 अक्टूबर, 15 दिसंबर को इमारतें गिरी थी जिनमें 17 लोगों की जान गई थी। 2015 में जुलाई और अगस्त के महीने में ठाणे में बिल्डिंग गिरने से 21 लोगों की मौत हुई थी। 14 मार्च 2014 को सांता क्रूज के बकोला में इमारत चौल पर गिर गई थी जिसकी वजह से वहां पर बड़ा हादसा हुआ था, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ था। 2013 में 4 अप्रैल और 27 सितंबर को इमारत गिरी थी और 150 के आसपास जाने गई थी शोभना। 4 दिसंबर 2012 को लोअर परेल में इमारत गिरने से 2 की मौत और 6 लोग घायल हुए थे। तो ये पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड है, यानी जो साफ करता है कि हर बार ये हादसे होते हैं लेकिन बीएमसी वक्त पर कभी जगता नहीं। जाहिर सी बात है कि सवाल दुर्घटना का नहीं है, सवाल यह है कि इस दुर्घटना से हमने सीखा क्या। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक से। 4 लोगों की जान चली गई जबकि 20 से 25 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में आज सुबह करीब 8:30 बजे 5 मंजिला इमारत ढह गई। मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई के जेजे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। करीब सुबह 8:30 बजे का समय था, 4 लोगों के जान जाने की खबर है और अभी भी 20 से 25 लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरह का ये हादसा है बहुत ही सवाल खड़े करता है। एमएचएडीए ने हालांकि इस बिल्डिंग को डेंजरस घोषित कर 25 से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है मलबे में। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। हालांकि बचाव और राहत का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। जो भी लोग हैं जिनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है उनको फौरन अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 4 लोगों के जान जाने की भी खबर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है राजीव। राजीव, जिस तरह की तस्वीरें हैं बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं, आप हमें ये बताइए कि ये तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही घनी आबादी का ये पूरा इलाका है, क्या कुछ और भी ऐसी बिल्डिंग्स वहां पर मौजूद है और ये क्या है ये पूरा इलाका, ये हमें समझाइए जरा। देखिए, दक्षिणी मुंबई का इलाका है और तस्वीरें अपने आप आपको बता देंगी। काफी सघन इलाका है, चौल जैसी यहाँ पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये जो बिल्डिंग आपको इस वक्त सामने इस तरफ दिखाई पड़ रही है, इस पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है और इससे लगी हुई दूसरी जो बिल्डिंग है वही गिरी है, हुसैनी बिल्डिंग। सामने काम लगातार चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। इस वक्त एम्बुलेंस की तादाद बढ़ गई है, कम से कम 5 से 6 एम्बुलेंस और आ गई है जिनको आप तस्वीरों में अगर देख पा रहे हो तो उस तरफ पीछे की तरफ कर दिया गया है जहां पर ये लोकेशन है। यानी इस बात की उम्मीद है कि कुछ और घायलों को सामने निकाल लिया गया है। पुलिस की प्रेजेंस यहां बढ़ गई है, माइक से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि यहां पर जो लोग हैं वो यहां जगह को खाली कर दें, मशीनों के लिए यहां पर जगह होनी चाहिए, लोगों को निकालने के लिए यहां पर जगह होनी चाहिए और तमाम दूसरे ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाते रहने के लिए यहां जगह होनी चाहिए। लिहाजा यहां पर लोग काफी ज्यादा हैं, पुलिस भी बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग मदद भी यहां पर कर रहे हैं। लेकिन जी यहां पर ये राजीव आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटते रहेंगे।